क्या राय बनती है इसमें? देखिए, यहाँ पे मेरा थॉट ये है कि फिलहाल तो पिस रहा है शेयर, और कुछ कई क्वार्टर्स से अगर आप देखें, लास्ट 2 क्वार्टर्स से थोड़ी मंदी है। यहाँ पे 500 के बहुत ज्यादा ऊपर जाके टिक नहीं पाता है, बट ऑन द कॉन्ट्री 400, 390, 400 पे रुकता भी है। तो आई थिंक ये रेंज है 390 के आसपास। मेरे ख्याल से इनको अगर चाहें तो एक स्टॉप लगाएं, और फिलहाल ट्रेंड में बने रहें, उछालों में दोबारा एक बार राय लें, तब पैटर्न में थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, सरोज कुमार का सवाल है, ये यूनो मिंडा के शेयर हैं इनके पास 65 और 1104 के प्राइस पे, और कंसाई नेरोलैक है 100 शेयर 284 के प्राइस पे, 6 महीने से 1 साल का नज़रिया। देखिए, यूनो मिंडा में तो आप देखिए तो यहाँ पे जो है डेटा थोड़ा सा उतना लॉन्ग टर्म करने के लिए नहीं है, बट ठीक है। आई थिंक उसमें ये ब्लू स्काई टेरिटरी में गया था 1200 के आसपास जाके, अभी एक छोटा करेक्शन मार के आया है। मोमेंटम मूव तो अच्छा है, तो मेरे हिसाब से ट्रेंड में 6-12 महीने के लिए चाहते हैं तो बने रहे। मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं वो तकरीबन मुझे 880, 850 के आसपास दिख रहे हैं, तो 880 के आसपास इनको एक लेवल्स पर सपोर्ट का ध्यान रखना चाहिए, और फिलहाल ट्रेड में यहाँ पे बने रहे। जहां तक रही कंसाई नरोले की बात, यहाँ पे अगर मैं जाके देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है फिलहाल। 340 रुपए से जो चालू हुआ है और वो अब 290 के आसपास, कोई भी पुल बैक आ रहा है लास्ट 2-3 महीने से 290 के आसपास दम तोड़ रहा है, तो नए समीकरण तो 290-300 के ऊपर ही निकलेंगे। टिल दैट आई थिंक 300 यहाँ इसका एक सीलिंग है, उसके बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। और नीचे में आपको इसने जो लोस किए तकरीबन 250 के आसपास, आई थिंक वो दोबारा चैलेंज होंगे यहाँ पे। ओके, देवेश सोनी का सवाल है, 100 शेयर फीएम इंडस्ट्रीज के 1380 के प्राइस पे, शॉर्ट टर्म का व्यू क्या है इस पे? फीएम, FIEM। जी, देखिए शॉर्ट टर्म तो ये, अब ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, अभी इन्होंने यहाँ शॉर्ट टर्म ये पूछ रहे हैं, बट दिस नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक। मेरे हिसाब से फिलहाल एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है, और मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड की बात करें तो 1280 के स्टॉप लॉस से इनको यहाँ पे बने रहना चाहिए, ऊपर से 1450-1500 के स्तर आएंगे। शहनवाज अंसारी ने HAL खरीद लिया 4100 पर, जी क्या करें, होल्ड करें, एग्जिट करें? नहीं, देखिए गुड स्टॉक, गुड स्टॉक, अब टाइमिंग भी इनकी ठीक ही लग रही है। इनका भाव से तो मेरे ख्याल से ऊपर ही है जो इन्होंने भाव दिया, 4100 बोला ना अपने भाव इनका। जी, तो मेरे हिसाब से बने रहें, 1 से 3 महीना बने रहें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि अराउंड 4630 के आसपास इनको एक स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए, थोड़ा मुनाफा भी इनका बंधा रहेगा, और 1 से 3 महीना दे दे। अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ तो दोबारा एक तरफ अपना 5500 की हाइस की तरफ जाएगा, उस समय डेफिनेटली चाहे तो थोड़ा मुनाफा बांधे। ओके, इन्वेस्टोग्राम ने सवाल भेजा है कि शुगर सेक्टर में एथनॉल की स्टोरी है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत सारे स्टॉक है, प्राज, इंडिया ग्लाइकोल, द्वारकी, CID, पेरी, बलरामपुर, रेणुका, तमाम सारे इन्होंने नाम लिखे हैं। 1 साल 6 महीने के लिए अगर कोई लेना हो बेट, तो कौन सा लेना चाहिए? चीनी की खुद की इंटरनेशनल साइकिल थोड़ी सी डामाडोल है, और इम्पोर्टेंट लेवल्स 20, रॉ शुगर ने 20 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया है, तो थोड़ा प्रेशर मुझे लगता है चीनी के दामों पे वैसे भी यहाँ आ जाएगा। तो आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म थोड़ा सा प्रेशर बना रह सकता है, बट आई थिंक मुझे बलरामपुर भी ठीक लग रहा है, मुझे द्वारकेश नाम ऑलमोस्ट काफी लंबे लंबे करेक्शन यहाँ हो चुके हैं, तो द्वारकेश, बलरामपुर, प्राज जो आपने नाम लिए, आई थिंक काफी सारों नामों में अच्छे पीछे मल्टी मंथ करेक्शन रहे हैं, तो आई थिंक चॉइस मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ। बट सेक्टर को थोड़ा सा मुझे लगता है 1 से 3 महीना अगर और देंगे तो शायद और स्वीट डील इनको मिल जाए, तो 1 से 3 महीना और पेशेंस रख लें, स्वीटर डील्स मिलेंगी तो फिर उस समय डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं, और चाहें तो थोड़ा थोड़ा SIP करना शुरू कर दें, मेरे ख्याल से हर्जा नहीं है। ओके, चिराग ने गांधीनगर सवाल भेजा, इनके पास एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयर हैं 2000 और 574 के भाव पर इन्होंने खरीदा है, नज़रिया सिर्फ 6 महीने का है, बैटरी वाला शेयर हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छे मूव दिखाए हैं। देखिए, जब नजरिया 6 महीने का कर देते हैं तो थोड़ा हाथ इन्होंने बांध दिए, सेटअप तो ठीक ठाक और अच्छे बन रहे थे यहाँ और बन रहे हैं अभी भी, तो जहाँ मार्केट में कई जगहों पे आपको मंथली निगेटिव क्लोजर्स, क्वार्टरली निगेटिव क्लोजर्स दिखेंगे, वहाँ ये अभी भी ट्रेंड अच्छा से पकड़ के चल रहा है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक कॉस्ट के आसपास अगर एक स्टॉप लॉस बना के 1 से 3 महीने बना रहना चाहते हैं तो बने रहें, बट उस केस में ये मान के चले कि ट्रेडिंग बायस के हिसाब से बेस्ट केस 600 रुपए के ऊपर ना सोचें, 600-610 उन एरियाज पर मुनाफा बांधने की भी कोशिश करें, क्योंकि इनका ध्यान थोड़ा सा ट्रेडिंग का है। ओके।